काम बाद में कर लेना, पहले चाय पी लो, ठंडी हो रही है। अच्छा अंकिता, मुझे लगता है ना तुम्हें जॉब कर लेनी चाहिए। जॉब? हाँ जॉब, मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ ऑफिस में कि काश मैं एक लड़की होता, आराम से चिल करता, ऐश करता, क्या लाइफ होती ना तुम्हारी लड़कियों की। अब अपनी लाइफ देख लो। मैंने तुम्हें घर दिया, ये टीवी दिया, ये एसी दिया, कपड़े लत्ते, घर का राशन, सब कुछ मैं ही तो लाता हूं। तुम आराम से ले, है ना? इसलिए अगर कोई जॉब कर लोगी तो तुम्हें भी रियलाइज हो जाएगा हार्ड वर्क किसे कहते हैं, है ना? चलो ठीक है, फिर मैं शिवम से मिलके आता हूं, शाम को मिलता हूं। तुम चिल करो, मैं शाम को मिलता हूं। अरे अरमान, कैसा है मेरा यार? मैं बढ़िया यार, तू सुना? सब बढ़िया, काफी दिनों बाद आया है। हाँ यार, कुछ लाओ तेरे लिए। नहीं यार, थैंक यू। अच्छा ये केक किसके लिए? ये केक मैं अपनी वाइफ के लिए लाया हूँ। वाइफ के लिए? कोई ओकेशन है क्या? नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं है। खास नहीं फिर किस लिए? जब भी मैं अपनी वाइफ के लिए उसके फेवरेट केक लेके आता हूँ तो वो बहुत खुश हो जाती है, इसके लिए लाया हूँ। अरे यार शिवम, कितना खुश करोगे अपनी बीवी को? घर का सारा सामान तुम लाके देते हो, सारे इंपॉर्टेंट सामान, ज्वेलरीज, कपड़े, इवन बिल तक तुम पे करते हो, और कितनी खुशी दोगे भाई? बिल्कुल सही कहा तुमने अरमान, लेकिन तुम कुछ भूल रहे हो। ये घर मैंने उसे दिया है, मगर इस घर को संवारने वाली वो, बसाने वाली वो, और घर के कोने कोने को चमकाने वाली भी वो है। इस मकान को घर बनाने वाली वो है। मैं तो बस सब्जियां खरीद कर लाता हूँ, बट मेरे लिए मजेदार खाना बनाने वाली वो है। और हाँ, कपड़े तो मैं ही लाता हूँ, मगर उनको धोने वाली वो है, और घर को सवार के रखने वाली वो है। हमारे लिए कामयाबी की प्रार्थना करने वाली वो है। हर मुश्किल तकलीफ पे हमारा साथ देने वाली सिर्फ वही है। थैंक यू अंकिता, ईंट पत्थर के मकान को घर बनाने के लिए। नए रास्ते चले हम, नई राहें बढ़े हम, नए सपने बुने हम, खट्टी मीठी बातों पे हंसे हम। कोई पूछे जो मुझसे, बोलू मेरा सब यही। कोई आगे पीछे, लम्हे में है बस हमें।